तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दो चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे फाइल लोकेशन सिस्टम और दूसरा हम बात करेंगे टेम्पलेट्स के बारे में। अब जैसे कि फाइल लोकेशन सिस्टम में समझिए क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके पास सामने दिख रहा है मेल नाम का एक फाइल, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इस फाइल के अंदर में क्या है, तो जनरली नाम से तो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि सेल्स डेटा है, मतलब सेल्स से रिलेटेड फाइल है, सेल्स की डेटा है इसमें। लेकिन कभी कभी आपकी फाइलों में बुक वन, डेटा, डॉम ऐसे नाम होते हैं, तो आप आज बनाया फाइल तो आप एक हफ्ते तक उसको याद रखोगे, मैं तो कभी भी भूल जाऊंगा, लेकिन आप लोग एक हफ्ते तक याद रखेंगे। लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाओगे कि इस फाइल में हमने क्या बनाया था, तो बिना फाइल को ओपन किए हुए आप नहीं जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या है, क्या जी सर। लेकिन मेरे ही केस में नहीं है कि जैसे मैं कर्सर ले आता हूं, देखिए क्या है। सबसे पहले आ रहा है ऑथर आईपी डिटेक्शन स्कूल, टाइटल ऑटोमेटिक सेंड मेल फॉर क्लास अपडेट, सब्जेक्ट भैया जीमेल सीडीओ कंसेप्ट। मुझे पता चल गया है कि वो क्लास की अपडेट मेल करने वाली, ऑटोमेटिक मेल करने वाली मेरी फाइल है। कैसे हुआ है, आप लोगों के सिस्टम पे तो नहीं होगा ऐसा। इसलिए हुआ कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन किया था, मतलब मैं इसकी राइट क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी पे गया और मैं डिटेल में गया, और यहां पे आप इसके टाइटल, इसकी टाइटल डाल दीजिए यहां पे, टाइटल हम लिख दिए सैंपल, सैंपल सेल्स डेटा फाइल फॉर सम इफ फॉर्मूला, ठीक है। सब्जेक्ट में कोई डाल सकता हूं, टैग, टैग में होता है हम सर्च कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर लिख दिए सम इफ पिवट काउंट। अब टैग में क्या होता है, टैग का मतलब होता है कीवर्ड्स, समझे। गूगल में आप जाके सर्च करते हो, तो जैसे मेरी ट्रेनिंग को लो, तो आप एक्सेल, एक्सेल कोर्स, एडवांस एक्सेल कोर्स, एक्सेल ट्रेनिंग, वीवीएमआर को ट्रेनिंग, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स से सर्च करते हैं ना, तो ये यही यहाँ पे कीवर्ड्स है कि कितने कीवर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए, वो यहाँ दिखाता है, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया, ओके किया, राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, अब मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो मेरा टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इससे अंदाजा लगा लूंगा कि इसके अंदर क्या स्टोर होगा, क्या सर। दूसरी चीज, अगर मैं कहीं पर सर्च करूंगा, मान लीजिए कि यहां से हम लोग सर्च करते हैं ना यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए पिवट सर्च किया तो सेल्स डेटा आ गया, क्यों, क्योंकि तो मैंने इसके टैग में पिवट डाला था। तो जो इम्पोर्टेंट फाइल है आपकी, जिसकी इन फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, एक मिनट का टाइम लगेगा उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर दे, और सर्च आप करते हैं तो सर्च में डिफरेंट डिफरेंट की डाल दें, ताकि आप जब सर्च करें तो फाइल लिस्ट आपका टॉप पे दिखे, ठीक है जी सर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरा डंप, आपका पास जो डंप फाइल होता है, आपका डंप फाइल एक लोकेशन में पड़ा होता है, जैसे शेयर ड्राइव में पड़ा हुआ है, ठीक है, तीन चार लोग उसको एक्सेस करते हैं, बट उसमें डेटा डालने का काम आपका है। ऑफिस में होता है ना, जैसे एक सेल्स डंप आ गया तो कमीशन, जो कमीशन कैलकुलेट करता है वो अलग कर रहा है, जो इंसेंटिव कैलकुलेट करता है वो अलग करता है, इन्वेंटरी वाला अलग करता है, तो सारा वो उसी डंप फाइल से लेके अपने रिपोर्ट बना के आगे भेजते हैं, और डंप फाइल एक सेल ड्राइव में पड़ा होता है। अब वो डंप फाइल एडिट मोड में है, हर कोई उसको ओपन कर सकता है, हर कोई उसको एडिट कर सकता है,
बट उस पर डेटा टाइप डेटा को पेस्ट कॉपी पेस्ट करने का काम आपका है। अब किसी ने डेटा को कॉपी पेस्ट आपने किया और किसी ने डिलीट कर दिया कुछ चीज को, तो कल के डेट में आप ही को लोग ब्लेम करेगा ना कि तुम्हारा काम है, तुमने क्या किया, क्या आपको दिक्कत हो सकती है आगे चल के। और फाइल सबको शेयर करना मजबूरी है आपकी, और फाइल में एडिट ना करने देना आपकी जरूरत है। तो हम लोग क्या करते थे कि फाइल में पासवर्ड से लगाते थे, तो आपको मजबूरन पासवर्ड देना पड़ता था कि हाँ पासवर्ड ले लो, अब मना तो नहीं कर सकते ना आप। तो मैं क्या करता था कि मैं फाइल पे गया, राइट क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी में गया, और प्रॉपर्टी के अंदर यहां आपको दिख रहा होगा रीड ओनली, हमने रीड ओनली पे क्लिक करके अप्लाई कर एंड ओके किया। अब कोई भी इस फाइल को खोलेगा तो रीड ओनली मोड में खुलेगा जब तक इसकी प्रॉपर्टी को रीड ओनली से हटाया नहीं जाए। अब कोई प्रॉपर्टी से रीड ओनली को हटा के डिलीट करता है तो अब आप इसकी लास्ट अपडेटेड होता है उसे चेक करके आप कर सकते हैं कि हाँ किसी और ने किया। रीड ओनली करने के बाद अपडेट नहीं कर सकते, उसमें एडिट नहीं कर सकते। रीड ओनली करने के बाद जो है आप उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो सेव नहीं होगा, वो फाइल आपकी रीड ओनली मोड में खुलेगी। ठीक है, समझ गए ना जी सर? आपका डेटा सेव नहीं होगा, एक बेनिफिट है। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये फाइल हर कोई ना देखे, सिर्फ मैं ही देखूं। जैसे मान लीजिए 319 नंबर का कोई फाइल है, मैं चाहता हूं कि कोई और ना देखे, सिर्फ मैं ही देखूं। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसको हिडन पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। समझ गए? और इसको हाइड करना हो तो सर आप देखिए सर, हिडन पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ से गायब हो जाएगी। एक गायब अभी नहीं हुई क्योंकि मेरा फोल्डर का सेटिंग गड़बड़ है यहाँ पे, नहीं तो हो जाती है राइट हो जाती है। मैं देखो ये दिखा रहा हूँ, व्यू में जाऊंगा, यहाँ व्यू में ऑप्शन है फोल्डर एंड लेआउट वाला ही, और यहाँ पे व्यू में डिफॉल्ट ही होता है डोंट शो एंड अप्लाई एंड ओके। तो आप देखिए हट गया जी। वापस कब आएगा? वापस लाने के लिए फिर वही फोल्डर ऑप्शन में जाके व्यू में जाके मुझे डोंट शो हिडन फाइल करना पड़ेगा एंड अप्लाई एंड ओके, तब जाके दिख जाएगा। दिख गया ना यहाँ पे? ठीक है, ये सब टेम्परोली है, लेकिन आप चाहते कि नहीं पूरी तरह से क्योर होना चाहिए, तो आपके लिए आप अपना सिस्टम का पासवर्ड किसी को दो ही नहीं। दूसरी चीज, आप अगर आपके सिस्टम सेवेबल है तो फिर आप फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर होता है उसको लगा दीजिए। ठीक है जी सर। तो ये चीजें छोटी मोटी चीजें थी जो कि आपको मैंने बताया। दूसरी हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की। जैसे कि कल हम आपके क्लास में जिक्र किए थे कि फाइल मेनू बार में हमारे पास जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहां देखिए कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। कभी कभी ऑफिस में क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा काम आ जाता है, ठीक है, जिसके लिए इससे पहले वो काम आपने कभी किया नहीं। जैसे कि आपको बोला कि एक इनवाइस का फॉर्म बनाओ, या आपको बोला गया कि एक कैलेंडर चाहिए मुझे, या आपको एक बोला गया कि मुझे एक्सपेंस रिपोर्ट चाहिए या बजट रिपोर्ट चाहिए, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। तो आप एक्सेल हेल्प में जाएंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे उसको। जैसे मैंने बिल सर्च किया तो एक्सेल हेल्प ने मुझे बिल के कई सारे फॉर्मेटेड दिखा दिए। अब मेरा रिक्वायरमेंट अगर इस बिल से मिलता जुलता है तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्रिएट करूंगा और फिर इसको चेंज कर लूंगा अपने हिसाब से। अगर नहीं इसको चेंज किया तो कहने मतलब कि मुझे आइडिया तो लग जाएगा कि हाँ इस तरह की चीजें बनती है, तो मैं इसी से इसी को रेफरेंस में लेके बनाना शुरू कर दूंगा। क्या सर? जी सर। तो एक्सेल की जो हेल्प है वो काफी काम की चीज होती है। अब टेम्पलेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो टेम्पलेट होता क्या इसके बारे में जाने। आप डेली बेसिस में ऑफिस में जाते हैं,
ऑफिस में आप रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप प्रीवियस रिपोर्ट को लेते हैं, उसको सेव एज करते हैं न्यू रिपोर्ट से, नया नाम से, और प्रीवियस का पूरा डेटा को डिलीट करके फिर नया डेटा आप डालते हैं, यही करते हैं ना सर जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप एक्सेल खोले, जैसे कि मैंने एक फाइल लिया, मैंने एक सेल्स मतलब कैश ट्रैकर का एक फॉर्मेट बना के भेजना होता था, तो मैं यहां पे एक फॉर्मेट बनाता हूं डेली कैश ट्रैकर, डेट लोकेशन सीरियल नंबर नेम टोटल ठीक है, और मैंने इसको यहां से पेज लेआउट में गया और पेज लेआउट में जाने के बाद मैं इसकी लाइन को अनव्यू कर दिया, व्यू हटा दिया तो ये दिख जाएगा। अब मुझे डेली बेसिस में क्या करना होता है, यहाँ डेट डालना होता है, यहाँ लोकेशन डालना होता है और यहाँ पे डिटेल डालना होता है। तो हर दिन मैं यहाँ पहले बार पिछले बार लेता हूं तो हर दिन यहाँ पर डाला होता है, तो मैं इसको डिलीट करके और दोबारा से नया डालता हूं। क्या सर? जी सर। तो मैं क्या करूंगा कि इस फाइल को सेव एज कर दूंगा यहां डेस्कटॉप पे कैश के नाम से एक्सेल टेम्पलेट में, ठीक है। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इस चीज को देखिए। फायदा ये होगा कि जब मैं इस फाइल को यहां कैश नाम की फाइल आपको आगे सेव हो गई, देखिए सबसे पहले देखिए इसका अलग है आइकन, अलग है। जब मैं इसको डबल क्लिक करके ओके करूंगा तो आप यहां देखिए दिख रहा है सर आपको कैश वन, मतलब कि हमेशा आपको ये एक ब्लैंक सिर देगा। जैसे बुक वन होता था ऐसा कैश वन, अगर मैं दोबारा खोलूंगा तो कैश टू, हमेशा बुक टू जैसा होता है ऐसा कैश टू करेगा, ठीक है सर। तो आप अपने ऑफिस में इसका यूज कर सकते हो कि आपके जितने भी रिपोर्ट्स हैं सबकी एक टेम्पलेट बना ले और आगे चल के टेम्पलेट से ही रिपोर्ट को फॉलो करें, ठीक है सर। तो टेम्पलेट बनाना आ गया आपको नरेंद्र जी एंड संतोष जी? जी सर। हाँ सर, लेकिन वो टेम्पलेट बोले तो ऑफिस में अगर जनरल वर्क के लिए तो शेयर ड्राइव में डालना पड़ेगा ना? नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप दिन में 5 रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो 5 रिपोर्ट का टेम्पलेट तैयार कर लो, तो आपको बार बार फाइल को सेव एज करके और डेटा क्लीन करने का झंझट नहीं रहेगा ना, आपका हमेशा एकदम ब्लैंक फॉर्मेट आएगा जिसपे अपना रिपोर्ट डालना है आपको। ओके, जैसे कुछ रिपोर्ट्स आप कॉपी, कुछ रिपोर्ट तो फॉर्मूला से जनरेटेड होते हैं, डेटा पेस्ट करो रिपोर्ट आपकी बन जाती है, कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जिसमें आप डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं ना। सही है, उस चीज के लिए बोल रहा हूं। ओके ओके, अब बात करते हैं फाइल लोकेशन सिस्टम की।
अभी जैसे मान लीजिए 6 महीने पहले आपने कोई फाइल बनाया था, उस फाइल को अगर ढूंढना हो तो काफी टाइम लगेगा आपको उसे ढूंढने में। आप लोग फाइल को कैसे अरेंज करते हैं? फोल्डर याद नहीं रहता सर, कहाँ हमने सेव किए, फिर वो फोल्डर देखना पड़ता है या फिर सर्च में डालते हैं। हम अपने ऑफिस का 15-20% टाइम जो है ना फाइल फोल्डर को ढूंढने में निकाल देते हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है सर। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला था कि आप एक एक्सेल शीट तैयार करें जिसमें जो भी फाइल आप क्रिएट करें, आपको 30-40 सेकंड का टाइम लगना है, आप उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें। जैसे कि डेट, किस डेट को फाइल नेम क्या था, किस डेटा से बना था, किसके लिए बना था, डिटेल्स कुछ है तो डाल दीजिए इसमें, और फिर उसका पाथ डाल दीजिए कहाँ पे सेव है, और पाथ पे हाइपरलिंक लगा दीजिए। इसमें तो फाइल को ढूंढना आसान होगा ना सर? हाँ, उस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी फाइल। क्लिक करते हो फाइल अब ओपन हो जाएगी आपकी, और डेट वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं, फाइल नेम भी फिल्टर कर सकते हैं, आप डिटेल्स में कुछ डाल दिया आपने, जगह आपने किसी को भेजा था उसके हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं क्या? इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप बोलोगे सर आप अभी कैसे करें, हमारे पास तो अभी 2000 फाइलें हैं, ये तो मुझे 20 दिन 25 दिन 50 दिन लगेगा इसको फिल करने में, थोड़ा डेटा बनाने में क्या? इसका उसका सोल्यूशन ये है, उसका सोल्यूशन क्या है कि जो पीछे हो गए से हो गए, अब जो फाइल बना रहे हैं उसकी लिस्ट डाल दो क्या? ये हो सकता है सर, अभी से कर दो, और पिछली फाइल की जो है टाइम मिले तो 10 से 20 फाइल की लिस्ट डेली बनाओ, तो महीने 2 महीने में आपका तो हो ही जाएगा। बिल्कुल क्या, जैसे जैसा मैंने किया था ये बता रहा हूँ, तेज बना सकते हो। इसके एक और, इसकी एक बेनिफिट ये हुआ ढूंढना नहीं होगा, दूसरा बेनिफिट होगा कल के डेट में अगर आप छुट्टी पे जाते हैं, आपका काम कोई और हैंडओवर करता है, तो उसको परेशानी नहीं होगी फाइल ढूंढने में, वो आपको बार बार फोन करके आपका छुट्टी खराब नहीं करेगा। हाँ, उसको ये मेन फाइल बता देंगे कि इस पे वहाँ पे क्लिक करो तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। आपको अगर अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना होगा, अप्रेजल में बनाना होता है, तो आप अपना रिपोर्ट बना सकते हो इसके बिहाफ पे। क्या सर आप बताओ ना हमें क्या क्या काम करता हूँ? देखिए सर, ये सारे फाइल्स इतने फाइल्स में एक दिन में क्रिएट करता हूँ इसी डेटा के, ये हो गया। और तीसरा सबसे ज्यादा जो कि मुझे बहुत कला होती थी, जब आप रिजाइन करेंगे तो रिजाइन करने समय आपको हैंडओवर करना होगा किसी को, दो दो दिन लगते थे फाइल समझाने में कि पर्टिकुलर फाइल यहाँ पड़ी होती है, वो फाइल यहाँ पड़ी होती है, क्या सर डेटा यहाँ होता है, रिपोर्ट यहाँ होती है, काफी टाइम लगता है समझाने में दूसरे बंदे को, वो बैठ के नोट करते रहता है और नोट पैड में, उसको भी अब कोई नया बंदा आएगा उसको भी याद नहीं रहेगा सर, वो भी फिर बैठ के कॉपी पेन लेके उसमें नोट करेगा कि ये इस फोल्डर में पड़ी है, उसको पकड़ा दीजिए। ये सही है ना सर? जी सर, आज से ही आप लोग अपने ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट कर दें। डन सर। ठीक है, अभी से आज से जो फाइल आप क्रिएट करेंगे उस पर आप ये फाइल इस लोकेशन पर यूज करेंगे, और जो पुराने फाइल बनी हुई है उसको धीरे धीरे जब आपके पास टाइम मिले तो आप 10-20-50 फाइल अगर डेली ऐड करेंगे तो 1-2 महीने में सारे फाइल का लिस्ट बन जाएगा। और उससे एक चीज और भी आया होगा कि सिस्टम के अंदर जो कचरा है वो भी साफ हो जाएगा, जो अननेसेसरी फाइल है उसको आप डिलीट कर दोगे, सिस्टम भी क्लीन हो जाएगा आपका, सिस्टम फास्ट वर्क करेगा। ये पाथ कैसे डालते हैं, हाइपरलिंक करके उस सीट को? पाथ जैसे नहीं समझेगी, आपका फाइल पड़ा है इस, मान लीजिए कि मेरा फाइल पड़ा हुआ है डी ड्राइव के इस लोकेशन, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, समझ गए, फाइल नेम है हमारे पास, अब हाइपरलिंक लगाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप हाइपरलिंक लगा दो, पाथ यहाँ डाल दो और पाथ यहाँ डाल दो, अब इस पाथ के अंदर जो आपके होंगे वो आ जाएगा, लिंक हो गया, क्लिक करते देखिए जूम फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, आया समझ में सर? जी सर। हाँ सर। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये अच्छी चीज है,
ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें मैंने अपने ऑफिशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था जब हमें प्रॉब्लम हुई थी तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था। कहने मतलब है कि हम स्मार्ट वर्क क्यों ना करें, क्यों हम कचरे की तरह काम करें, सिस्टम में कचरा क्यों जमा करें, उसको उसको अरेंज करें, क्यों नहीं रखें, कल के डेट में हमें ही सॉल्व होगी ना। बिल्कुल सर, कहने कि टाइम आपका जो टाइम है, जो टाइम आपका अननेसेसरी इधर उधर वेस्ट होता है, उस टाइम को मैनेज करके काम को अरेंज कर लेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो आप रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगा। तो मेरा तो यही सोच है, अब आप लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपके ऊपर है। ठीक है जी सर। तो आज हमने आपको फाइल की प्रॉपर्टी मेंटेन करना सिखाया ताकि हम इजीली फाइल को सर्च कर सके। फाइल का ऑथर नेम जरूर मेंटेन रखिएगा ताकि पता चल सके कि हाँ किसने आपकी फाइल को बनाया है, तो इस फाइल को किसने बनाया, आपकी ओरिजिनल फाइल आपके पास रहेगी, आपका नाम रहेगा उसमें। प्रॉपर्टी मेंटेन करें, उसके बाद टेम्पलेट्स है, तो एक्सेल की जो एक्सेल के अंदर जो टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं आप उस पर भी एक बार जरूर रिसर्च करें। इससे आपको एक्सेल के अंदर में किस किस तरह के फाइल बनते हैं, किस तरह के फॉर्मेट होते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। बहुत सारे पोस्टल पे या कैटेगरी है, बहुत सारे कैटेगरी है, उस पर देखेंगे, इसको भी एक बार आप लोग देखिएगा। ठीक है जी सर। इससे आपको फॉर्मेटिंग का आइडिया मिलेगा कि किस तरह की फॉर्मेटिंग या किस तरह की चीजें बनते हैं। ओके तो कल कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना होम मेनू, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लिपबोर्ड, इसी पेस्ट स्पेशल, एडवांस पेस्ट स्पेशल चीजों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके श्योर सर। ओके बाय। थैंक यू। बाय।